लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सारे माल पे थप्पा लगा दिया। जी जनाब, कल तक माल ठिकानों पे और आपके सारे पैसे विदेशी खातों में पहुंच जाएंगे। शाबाश, अब हमारी मंजिल और जंग बुलंद होगी। हिंदुस्तानी फौजों की तबाही और कश्मीर की आजादी में तुम्हारा भी नाम होगा। एक मुजाहिद की जान के बदले हिंदुस्तान 1,000 सिपाहियों की जान खोएगा। अब हम उन्हें दिखाएंगे असली होली कैसे खेली जाती है। अब हिंदुस्तान समझेगा कि जंग किसे कहते हैं। सब जिंदा चाहिए मुझे, हिंदुस्तान को वापस करने हैं टुकड़ों में। स्टेटस क्या है? सब जगह आईडी प्लांटेड है मैम। इट्स अ डेथ ट्रैप। ओवरराइड इट। ओवरराइड कंप्लीट। स्टॉप, वी नीड बैकअप नाउ। एवरीवन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। बाहर निकलो या मरो। इन 3, 2 लीव, मूव नाउ। 1
क्या लगता है तुम हमें मार पाओगे? हाँ, हम कोई इंसान नहीं है, ना कोई कौम है, बस एक ख्याल है जो कभी मिटेगा नहीं। हम इस ख्याल को ऐसे मिटाएंगे कि फिर कोई इस ख्याल को सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। हम हिंदुस्तान है, बोलेंगे नहीं, सीधे तोड़ेंगे। चार्ली, कम इन। कितने दूर हो? अल्फा, 7 मिनट्स आउट। रोजर। ओ, एंड अल्फा, अगर तुम 1 मिनट भी लेट होते तो अर्जुन को शायद अशोक चक्र मिलता, जो अभी उससे कभी ना मिले। सॉरी अर्जुन। तुम्हारी एरोगेंस ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और मेरा कॉन्फिडेंस मेरा सबसे अच्छा दोस्त, इसलिए रिकॉर्ड सेट हुआ है मैम। वॉच आउट अल्फा, जीत को हार में बदलने में देर नहीं लगती। कितने मिनट? जानती हो ना क्या होगा? और नहीं ले जाएंगे तो ये मर जाएगी। हम ये रिस्क नहीं ले सकते विनोद। इसका ब्लड ग्रुप मिलना इम्पॉसिबल है। उनको मैसेज करो, वो जरूर कुछ करेंगे। जल्दी। ठीक है। Don't lose it.
तुम राजपूत पटांगर को भी यहाँ बुलाओ, जल्दी। कौन? चीफ असिस्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी नंदिनी राजपूत एंड सेक्रेटरी टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अभय भटनागर। फोन लगाओ अभी जल्दी। ये लॉर्ड बाउंसिंग सर्वर से आ रहा है। तुम दूसरे बाउंस का लिंक ढूंढो, जल्दी करो। सर, 45 मिनट्स पहले हमने आरएच नल ब्लड ग्रुप के लिए एक अलर्ट देखा और वो सिक्योर्ड सर्वर से था एज अ कोडेड मैसेज। सबसे पहले सर वो आर्मेनिया में ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद वो ब्राजील में बाउंस हुआ एंड देन इंडोनेशिया, उसके बाद वो और वहां से इजराइल, इजराइल से इंडिया, फिर पाकिस्तान और आखिर में आर्गोवेनिया। ऐसे तो वो कहीं भी हो सकता है। मुझे ओरिजिनल अलर्ट का डायमीटर बताओ। यस मैम। Make a triangle. अरे लेकिन हम ये कर क्या रहे हैं? बैनर्जी का पता ढूंढ रहे हैं जो हमें मिल चुका है। So, he's in? Ajara. ये देखिए, दिस टाउन ओकामोरी, यहाँ की पॉपुलेशन 5,000 है और यहाँ पर सिर्फ एक हॉस्पिटल है। मैंने सर्वर्स ओवरराइड किए तो कैमरा फुटेज में से ये मिला है। हेड इंजरी के साथ इस हॉस्पिटल के डेटाबेस में सिर्फ एक इंसान आया है और वो है ये बच्ची मीमी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मिलना होगा अभी। जैन सर, बैठिए। सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, लेकिन सर हमें डॉक्टर बैनर्जी तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। क्या? यस सर, अभी अभी अजारा के एक छोटे से हॉस्पिटल से एक 6 साल की बच्ची के लिए आरएच नल ब्लड ग्रुप की अर्जेंट रिक्वायरमेंट का कोडेड मैसेज हमने इंटरसेप्ट किया है। दुनिया में सिर्फ 25 लोगों के पास ये गोल्डन ब्लड ग्रुप है और उन सबके रिकॉर्ड हमारे पास है इस बच्ची को छोड़ के। जी सर, द रिकॉर्ड शो की डॉक्टर बैनर्जी की एक बेटी थी। 6 साल पहले स्लोवेनिया में एक आरएच नल ब्लड ग्रुप की बच्ची पैदा हुई थी। जब तक हमारे एजेंट्स वहां पहुंचे, मां बच्ची हॉस्पिटल से गायब हो चुके थे। इस केस में अब तक का ये हमारा बिगेस्ट ब्रेक थ्रू है। वो बच्ची हमें चाहिए। क्या? What's the problem? दरअसल सर, ये मैसेज 5 देशों से बाउंस होकर हमारे पास पहुंचा है। मतलब? मतलब उन 5 देशों को ये मैसेज हमसे पहले मिल चुका है सर। एंड आई एम श्योर वो लोग भी वही प्लान कर रहे होंगे जो हम करना चाहते हैं। नंदनी, तुम्हें टीम तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? सर, एक्सक्यूज मी सर, ये एक हाईली क्लासिफाइड और डेंजरस मिशन है। हम यूं ही ऐसे किसी को वहां नहीं भेज सकते। मुझे आर्मी चीफ के साथ कंसल्ट करना होगा और कम से कम 10 दिन लगेंगे टू पुट अ टीम ऑफ हाईली ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट जस्ट फॉर दिस मिशन। सर, मैं 48 घंटों में मिशन रेडी टीम खड़ी कर सकती हूँ। ओह रियली? और ये कैसे होगा? वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग इट? सर नीरो,
नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस ऑपरेटिव्स। ये रॉ डिफेंस और एनएसए का बहुत ही कोवर्ट प्रोग्राम है। यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स को स्किल्स और देशभक्ति के लिए परखा जाता है सर। कैसे? सर इतना प्रेशर डाला जाता है कि अगर देशभक्ति का जुनून ना हो तो 5 मिनट में ही देशभक्ति से देशद्रोही पर उतर आएंगे। और तुम इन लोगों को कैसे जानती हो? क्योंकि मैंने ही उन्हें सस्पेंड किया था सर, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली। और इसका सक्सेस रेट 100% सर। सर मैं आपको ये याद दिला दूं, ये एक हाई रिस्क मिशन है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। करेक्ट भटनागर, टाइम हमारे पास भी नहीं है। सर आई स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट टू दिस, ये सरासर पागलपन है। आई एम सॉरी। नंदनी तुम स्क्वाड तैयार करो। यस सर। नंदिनी तुमने मुझे नीरो के बारे में क्यों नहीं बताया? बताने की जरूरत नहीं समझी क्या? लेकिन इतना बताना जरूरी है कि आइंदा मेरा हाथ मेरी मर्जी के खिलाफ पकड़ा तो ना ये हाथ रहेगा ना तुम। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? How is she now, doctor? The bleeding has stopped. There is no trauma. And she doesn't need blood. She's healing very fast. We never seen anything like this. Can we take her home? Not yet. We have to do some more tests. Okay, doctor. Thank you so much. Welcome. फेल हो गया तो तुम्हारे वापस आने के चांसेस खत्म हो गए। आप पे भरोसा है सर। डोंट लेट मी डाउन। आर्या सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। कुछ ही सेकंड नहीं, सिर्फ एक सेकंड चाहिए। Это твоя плата за предательство. Bye bye Vladimir. Whenever you're ready to come in, we'll be waiting. Well done, Arya. पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें वापस एक्टिव ड्यूटी बुलाने। मैंने आपका काम किया है, अब आपको मेरा करना होगा। वो करें या ना करें मैं जरूर करूंगी। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की वजह और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हूँ। मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। इससे पहले तुम्हारी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए बोलना शुरू करो। सॉरी मैम। सॉरी वॉरी छोड़ो, ये बताओ मेरे लिए काम करोगी?